हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑन डेमोंस्ट्रेटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोंस्ट्रेटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अभी आपको कुछ सेंटेंसेस में दिखाऊंगी जिसमें आपने या तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस फिल करने होंगे या फिर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नंबर वन, आई वॉन्ट डैश टू ईट, आई एम वेरी हंग्री। तो आप इसमें क्या फिल कर सकते हैं? समथिंग। ओके, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, इसका मीनिंग क्या है? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ या मैं बहुत भूखी हूँ। ओके, हंग्री का मीनिंग होता है जिसे भूख लगी हो। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम देखते हैं नंबर टू, आर डैश बुक्स बेटर दैन डैश। अब देखिए दीज लिखा है, दीज बुक्स बेटर दैन दोज। दीज बुक्स, यहाँ पर दीज जो है एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, लेकिन सेकंड में जो दोज लिखा हुआ है ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, नंबर थ्री, डिड डैश यूज़ माई पेन व्हेन आई वॉज अवे। तो आप यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं? आप एक इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि एनी वन फिल कर सकते हैं। ओके, एनी वन का मतलब किसी ने, क्या किसी ने मेरा पेन यूज़ किया था जब मैं यहाँ से गया हुआ था, जब मैं यहाँ पर नहीं था, क्या किसी ने मेरा पेन यूज़ किया था। नंबर फोर, डैश नोज़ फॉर सर्टन व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए सर्टन का मीनिंग क्या है? श्योरिटी। तो इस सेंटेंस में आप क्या फिल कर सकते हैं? नोबडी, नोबडी नोज फॉर सर्टन, किसी को भी श्योर नहीं है कि डेथ के बाद क्या होता है। ओके, यहाँ पर आप फिल करेंगे नोबडी। नंबर फाइव, डैश आर माई क्लोथ्स एंड डैश आर योर्स। तो आप यहाँ पर कौन से प्रोनाउन फिल कर सकते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दीज आर माई क्लोथ्स एंड दोज आर योर्स। ओके, दीज एंड दोज, ये दोनों डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सो आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट। थैंक यू।